कोरोना वायरस के कहर के बीच इस वक्त एक बुरी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बदरुद्दीन शेख का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। रविवार देर रात एसवीपी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पार्टी नेता शक्ति सिंह गोहिल ने इस बात की जानकारी दी। शक्ति सिंह गोहिल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया, मैं बदरुद्दीन शेख को 40 साल से जानता था, तब वो यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे। आजकल वो गरीबों के कल्याण के कार्यों में जुटे हुए थे। शेख अहमदाबाद के दाढ़ी लीमड़ा इलाके के पार्षद थे। इस इलाके में काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये इलाका अहमदाबाद का हॉटस्पॉट इलाका है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता बदरुद्दीन शेख की 15 अप्रैल को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन तक होम क्वारंटाइन में थे। विधायक इमरान खेड़ावाला जब मुख्यमंत्री विजय रूपानी से मिलने पहुंचे, तब बदरुद्दीन शेख उनके साथ थे। इलाज के लिए एसवीपी अस्पताल उन्हें लेकर जाया गया और बीते कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है। राजनीतिक गलियारों से ये दुखद खबर बाहर आई। SPN9 न्यूज़ की ओर से हम यही कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए उनके परिवार को हिम्मत। SPN9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।